देखो बेटा, कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है ना, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को कॉम्प्लेक्स कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो ना नॉर्मल सॉल्ट की तरह अपने सारे आयन्स में नहीं टूटता, वो कुछ ना कुछ आयन्स को एसोसिएटेड वर्जन में ही रखता है। और जो भी चीज़ें एसोसिएटेड रहती हैं और पानी में जाने के बाद वो एक कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में टूटती हैं, ऐसी चीज़ों को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी एडिशन कंपाउंड इसलिए है क्योंकि दो या दो से अधिक सॉल्ट से मिलके बनता है। हाँ, हम उसका फॉर्मूला रिकलेक्ट करके इकट्ठा लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते। जैसे डबल सॉल्ट में आपने देखा होगा, एक सॉल्ट अलग डॉट, दूसरा सॉल्ट अलग, नहीं। हम यहाँ पे इनको कंबाइन करके, जैसे डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल हमने मोहर सॉल्ट देखा है ना बच्चों, क्या था? FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4। अगर बेटा इनको कंबाइन करके लिखोगे तो पता है कैसे लिखोगे? Fe, इनको कंबाइन करके लिखो कैसे लिखोगे? Fe एक है, सल्फर टोटल मिला के दो हैं, NH4 टोटल मिला के दो है। मेरी बात समझ रहे हो? और फिर डॉट जो भी पानी, जैसे यहाँ डॉट 6H2 होता है। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन हम डबल सॉल्ट को ऐसे नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि डबल सॉल्ट में सर कोई आयन संगठन बना ही नहीं रहा। भाई कॉम्प्लेक्स में तो कुछ आयन मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, एंड दैट ग्रुप नेवर डिसोशिएट इटसेल्फ, दैट ग्रुप ऑलवेज मेक्स इटसेल्फ इंटैक्ट एंड इंडिविजुअलाइजेज इटसेल्फ एज एन आयन। और वो एक कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में अपना इंडिविजुअलिज्म कभी खोता ही नहीं है, वो हमेशा वो संगठन के रूप में ही रहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? चलो इसको एग्जाम्पल में देखो, जैसे पोटाशियम फेरोसाइनेट, फॉर्मूला क्या लिखा हमने? K4FeCN6, और ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। हाँ, इसको एक सॉल्ट की तरह ही ट्रीट करो, जिसमें क्रिस क्रॉस मेथड भी लगाओ। ये 4 चढ़ेगा यहाँ पे, मतलब -4, और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 चढ़ेगा यहाँ पे। तो ये जब पानी में ये है सॉलिड, लेकिन जब भी बच्चों ये सॉलिड पानी में डिसोशिएट होता है ना, तो एक्वस आयन बनाएगा, लेकिन पोटेशियम +1 एक्वस बनेगा, और पूरा का पूरा ये कॉम्प्लेक्स एनायन बनेगा, FeCN6, और ये टूटेगा नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। इस पे चार्ज होगा 4 - 1। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसा सॉल्ट या एक ऐसा कंपाउंड जो पूरा पूरा आयन्स में टूट जाए, ये पूरा पूरा ही कैटायन एनायन में टूट रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते होते भी ये अपने सारे आयन्स में नहीं, ये जो नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस आयन्स विच विल नेवर शो देयर आइडेंटिटी। ये हमेशा एक परिवार, एक संगठन बन के ही संगठित रहेंगे, इसलिए ऐसे सॉल्ट को हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस विल नेवर लूज इट्स आइडेंटिटी एंड विल ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ फैमिली, एज अ कंसॉलिडेटेड आयन, एंड विल नेवर शो द इंडिविजुअल आयन्स विच इट हैज इन साइड। हेलो हेलो, ये बनेंगे 4 और ये बनेगा 1, क्योंकि हमको यहाँ पे इसकी स्टोइकियोमेट्री से समझ में आ रहा है। नाउ आई हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर। अब ठीक है बच्चों, कैपिटल बी लिखते हैं बच्चों, कैपिटल बी लिखते हैं। हेडिंग होगी बेटा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। लिखो लिखो तो। हाँ बोलो, पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इन जनरल कॉमा नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर एज दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे गेन इलेक्ट्रॉन को देखो, इस बच्ची ने कितने अच्छे से पेंसिल से दाग किया हुआ है, क्योंकि शायद हम लुइस कंसेप्ट से बात जानते हैं। लिखते रहो, मेरी बात सुनते भी रहो, हम लुइस कंसेप्ट से मास्टर ये बात जानते हैं कि हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता रखती है वो एक्चुअली एसिडिक नेचर शो करती है। एसिडिक नेचर इज द एक्चुअल पर्यायवाची, इज द एक्चुअल सिनोनिम फॉर द फिनोमेना ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो चलो लिखो तो। हाँ बोलो मास्टर, इन शॉर्ट ये बात हो गई कि भी मेटालिक ऑक्साइड आर लाइक बेसिस मास्टर, एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर लाइक एसिड।
क्या ये बात सही है सर? हाँ बेटा ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि तो सर मेटल की टेंडेंसी देने की होती है, नॉन मेटल की लेने की होती है, तो उनके ऑक्साइड की भी टेंडेंसी लगभग वही होगी जो उनके पेरेंट मेटल की है या पेरेंट एलिमेंट की है। इट मे बी मेटल, इट मे बी नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल इफेक्टिवली तो एक एलिमेंट के क्लास को बिलोंग करता है ना। अरे हजम होता है तो हाँ बोलो ना भाई। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। क्या है, दिखता नहीं है ना आप लोग का चेहरा भी, बस ईश्वर करे महीने भर में दिखने लग जाए तो थोड़ा सा क्या है मास्टर को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि क्लास पढ़ रही है। चलो खैर, वो तो भगवान के हाथ में। आगे बढ़ जाऊं, लिख लो तो हाँ बोलो। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे सिंस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिड्स। हाँ भैया एसिड होते हैं, कितनी बार बताओगे मास्टर? हेंस दे रिएक्ट विद बेस। अच्छा, अरे यार अगर एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, कैसे भाई? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस गे बेस फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल बताओ सर, लिखो एग्जाम्पल बेटा। बेटा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल फेमस नॉन मेटल मास्टर कार्बन, कार्बन का ऑक्साइड CO2, गैस है मतलब CO2 गैस का नेचर एसिडिक होता है। हाँ बेटा अब जान गए सर हम लोग, ओके, क्योंकि कार्बन का ऑक्साइड CO2, सर कार्बन नॉन मेटल है तो इसका ऑक्साइड एसिडिक होगा, बिल्कुल सही है। तो ये बेस के साथ रिएक्शन कर जाएगा, हाँ कर जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों हम लोग है वैसे है तो बेस, इसका केमिकल नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जनरल नेम मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, कौन बताएगा? अभी अभी देखा, अभी अभी देखा, रिविजन भी किया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इट्स केमिकल नेम, जैसे होता है ना आपका, जैसे मेरा या मेरा एक दोस्त था, उसी का मैं नाम हमेशा एग्जांपल लेता हूँ। मेरे दोस्त का स्कूल का नाम था गौरव अग्रवाल, उसका घर का नाम था सोनू, और उसका हम लोग का दोस्तों का नाम था कबाड़ी। तो बेटा ऐसा होता है ना, अलग अलग प्रकार जगह अलग अलग नाम, हेलो है ना। तो वैसे ही CaOH होल्ड टॉइस इज इट्स फॉर्मूला, इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट्स जनरल नेम इज लाइम वाटर। तो लाइम वाटर हमने देखा है सर, CO2 गैस पास करो तो बन जाता है CaCO3 विच इज अ सॉलिड एंड इट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट। इनफैक्ट इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बिकॉज इट इज वाइट, दूध जैसा कर देता है, प्लस H2O है ना। तो सर ये तो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा अब हमको समझ में आया सर, ये पता है बेस से रिएक्शन क्यों कर लेता है CO2? क्योंकि वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है लिखो तो। हाँ वो एक नोट डालेंगे अब, और दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ CO2 गैस। अब CO2 गैस का टेस्ट तो हमको आता है सर, आप लिखवा भी चुके हो, तो और क्या प्रॉपर्टी बेटा? कुछ और बातें हैं जो आपको CO2 के बारे में पता होनी चाहिए। लिखेंगे Roman No. 1, इट प्रोड्यूसेस एफरवेजेंस, EFERVESCENCE, शायद स्पेलिंग दिख रही है सबको, व्हेन रिलीज्ड। व्हाट डज एफरवेजेंस मीन मास्टर? बेटा समझ गए, अबे तड़तड़ा के निकलना। हेलो हेलो, हाँ ये शायद आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, काम करना ऐसा 20-30 रुपया का खर्चा है, चूना खरीद के लाना, कोई भी पेंट की दुकान से मिल जाएगा, एक तो बाल्टी में पानी डालना, चूना का जो गठरा होगा ना उसको डाल देना उसके अंदर, देखना तड़तड़ाएगा पानी, वो जो तड़तड़ाता है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2। तो वेन एवर CO2 इज प्रोड्यूस, देसी भाषा में वी से इट इज तड़तड़ाइंग, एंड इंग्लिश में वील से इट इज प्रोड्यूसिंग एफरवेजेंस। हेलो एफरवेजेंस मैं दोबारा स्पेल कर दे रहा हूँ बच्चों, EFERVESCENCE, एफरवेजेंस। तो इट प्रोड्यूसेस तड़तड़ाहट एफरवेजेंस व्हेन रिलीज्ड। ओके मास्टर, पॉइंट क्रमांक Roman No. 2, व्हेन इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल एज इट इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। इनफैक्ट व्हेन की मुझे जरूरत ही नहीं बेटा, घटिया इंग्लिश, बच्ची ने मस्ट हैव कमिटेड अ मिस्टेक। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल एज इट इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। अगर ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करोगे, कहीं आग लगी और ऑक्सीजन गैस डाल दो तो बेटा आग और बढ़ जाएगी, बिकॉज इट इज सपोर्टर ऑफ कम्बशन। ऑन द अदर हैंड अगर CO2 गैस पास कर दोगे बेटा, आग कहीं भी लगी होगी वहाँ पे, तो शायद वो जो रेड कलर के सिलेंडर होते हैं उसमें CO2 ही भरी रहती है, वो CO2 गैस पास करो तो गैस, आग लगी रहती है तो CO2 गैस उस आग को बुझाने का काम करती है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन।
ये शायद इसकी प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। लिखो लिखो तो हाँ बोलो, मतलब लिखो समझो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो भाई। प्रॉपर्टी ऑफ एसेट बेस में सबसे पहली चीज़ है कैपिटल ए कि दोनों बिजली को कंडक्ट कर सकते हैं अगर पानी में जाएं। क्यों मास्टर? बेटा पानी में जाके हर वो चीज़ जो आयंस में टूट पाए वो कंडक्ट कर लेगी बिजली सर, क्योंकि पानी में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी आयंस करते हैं घूम घूम के, मूव कर करके। तो सर हमको ऐसे पता है, हमने इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट सर बिजली कंडक्ट करते हैं क्योंकि आयंस बनाते हैं, और एसिड और बेस दोनों इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो एसिड और बेस के लिए दोनों के लिए कॉमन बात है क्या कि दोनों पानी में जाने के बाद आयंस में टूट जाते हैं, इसलिए दोनों इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए दोनों बिजली कंडक्ट कर सकते हैं। शायद ये प्रॉपर्टी कैपिटल ए हमको समझ में आती है। आइए इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हासिल करें, और इस एक्स्ट्रा जानकारी को हम पॉइंट्स के वाइज करेंगे। तो लिखेंगे बेटा पॉइंट नंबर 1, इंग्लिश बोल सकता हूँ, इतना लिख लिया सबने? यस सर। चलो बेटा हटा रहा हूँ, कोई रोक नहीं रहा। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे बोथ एसिड्स एंड बेसिस हैव अ टेंडेंसी टू डिसोशिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस एंड देयर आयंस कैन मेक वाटर कंडक्टिंग। वही बात जो मैंने आपको हिंदी में बोली उसको शब्दावली में आपको इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ। हिंदी में इंग्लिश में ये लिखा हुआ है बेटा कि दोनों एसिड और बेस के पास क्षमता होती है डिसोशिएट करने की अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जिनसे वो बने हैं उन आयंस में टूटने की, प्लस और माइनस में। और क्योंकि ये आयंस में टूट जाते हैं तो आयंस की पर्याप्त कैपेबिलिटी होती है पानी में मूव कर करके, घूम घूम के बिजली को कंडक्ट करने की, हेंस इट मेक्स वाटर कंडक्टिंग। कोई दिक्कत? लिखो तो हाँ बोलो। यस सर।